भाई मेरी तरफ से सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह हम 28 अगस्त 2022 पे खड़े हैं। जो एफर्ट हमने 3-4 माह पहले शुरू की थी कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप सब लोग खुद मार्केट में हैं, आप देखते रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस भी की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखी भी हैं, कुछ लोगों ने बहुत इधर उधर की बातें भी की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि जो बातें हम लोगों ने 3-4-5 माह पहले किसी से भी की थी वो आज आपको पूरी करके दिखा दी है कब्जे की सूरत में। अच्छा, बेसिकली हर स्टेज की एक खास पावर है, हर स्टेज की एक खास मोटिवेशन है। पहली स्टेज हमारी ये थी कि हमने रकबा लेना है, पोजेशन लेनी है, लोगों को शो करवाना है कि यार अगर हमने क्लेम किया है सिटी हाउसिंग का या किसी भी और बड़े प्रोजेक्ट का जो फैसलाबाद में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो क्लेम सिर्फ क्लेम नहीं है, उसके पीछे वो एनर्जी, वो पावर, वो टीम वर्क, वो कोऑर्डिनेशन मौजूद है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बाकी सारे प्रोजेक्ट्स की तरह इंशाल्लाह सक्सेसफुल बनाएगी। ये हमारा दी ग्रैंड आइकॉनिक सिटी, हमारा 9वां प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी का। इससे पहले 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुके हैं या डिलीवरी के करीब हैं, जिनमें हमारा एक सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो पंजाब का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल, वो सब लोग जानते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रनिंग में चल रहा है ऑलरेडी। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि हर स्टेज की एक खास रनिंग है, एक खास पावर है उस स्टेज की, तो जिस तरह पहले पोजेशन वाली पावर थी, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो इंशाल्लाह ताला हमारी कंस्ट्रक्शन की है, और ये वो स्टेज होगी जो कि हमारे वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे सिर्फ कहने पे बिलीव किया और विदाउट मैप बिलीव किया। इस प्रकार इकबाल भाई एक बड़ी मजे की बात कर रहे थे, इकबाल भाई ने बात की कि यार जिन्हें असी मरले माशाल्लाह वेच ले है ना, लोगों की इन्हों दी 3-3 कलोनियां होनी वा, तो 2-2 साल ला देंगे वेचन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की खुशकिस्मती है कि अभी हमने मैप, जो कि इंशाल्लाह 10 तारीख हमारी फाइनल तारीख है, सर्कल क्लब में हम इवेंट करेंगे, वहां पे मैप को अपना पब्लिक करेंगे, और जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो इंशाल्लाह ताला हम कल से कंस्ट्रक्शन की बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को दावत है कि भाई यहाँ खड़े होके हर बंदा कोई वीडियो अपनी छोटी सी बना ले और देख ले कि आज क्या सूरत हाल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से जिस तरह हमने पहले अपने बकाया प्रोजेक्ट्स में डिफेंस पैराडाइज, मदीना पैराडाइज की तरह, गटवाला की तरह, दी ग्रैंड सेंट्रल मॉल की तरह, इस प्रोजेक्ट में भी आज सब लोग ये देख लें अभी किस कंडीशन में है, और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 or 2 years ये सबको नजर आएगा, और ये सब लोगों की मुश्तरका एफर्ट के साथ है कि नेक्स्ट स्टेज जो हमारी कंस्ट्रक्शन की है, जिसकी बेस पे वो इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने हमारे पे बिलीव किया, हमारे विजन पे बिलीव किया, वो लोग इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बल्कि हमारे डायरेक्टर्स के थ्रू जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी दोस्त हमारे साथ अटैच हैं, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी इसी तरह अर्निंग भी करेंगे और हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। तो भाई सब लोग तैयार हो जाए इंशाल्लाह इवेंट के लिए भी, क्योंकि 10 तारीख को हमारा हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जो कि इंशाल्लाह कल से हमें बिस्मिल्लाह कर देनी है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इंशाल्लाह ताला इसे जिस तरह पहले प्रोजेक्ट्स हुए हैं वैसे उसे भी मैक्सिमम हद तक कंप्लीट करना है।